दिल्ली टीम ने महाराष्ट्र को हराकर किया ट्रॉफी पर कब्जा। तीन राज्यों की त्रिकोणीय व्हीलचेयर क्रिकेट श्रृंखला का हुआ समापन। प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी हां, मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वाधान में तीन राज्यों की लेदर बॉल नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट दो दिवसीय प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। दूसरे दिन कड़े मुकाबले के बाद दिल्ली ने महाराष्ट्र को 17 रन से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व दिल्ली के दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इस प्रकार की श्रृंखला का उद्देश्य दिव्यांग जन को समाज तथा राष्ट्र का अविभाज्य अंग बनाना, खेलों के माध्यम से उनके पुनर्वास व स्वावलंबन के लिए प्रयास करना था। मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ग्वालियर के प्रबुद्ध समाज के सहयोग से यह स्वप्न साकार हुआ। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। धीरे दिए इस देश को स्वाभाविक है, उसका उदाहरण राजपूत जी ने प्रस्तुत किया, बड़ी खुशी होती है। जहां तक इस खेल की बात है, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है और उसमें भी सोने में सुहागा दिव्यांग लोग क्रिकेट खेले। ऐसे लोग जिनकी डिसेबिलिटी मोर देन 70% है, 70 या उससे अधिक है, तब उसमें सोने में सुहागे की बात आती है। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।